सो हम लोग कार्डिजन प्रोडक्ट पे ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है, ए हमारा सेट है 1 2 3, बी सेट है हमारा 4 और सी सेट है 5। सो बी और सी सिंगलटन सेट है। देन वेरीफाई दैट, हम लोगों को वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या वेरीफाई करना है? सो थ्री पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में थ्री पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ आपको क्या है। फर्स्ट पार्ट हमारा है ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा ये ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ओके, सेकंड जो पार्ट है वो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ओके, और थर्ड जो हमारा पार्ट है, थर्ड पार्ट ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। करते हैं हम लोग बारी बारी से सब कर देंगे। सो फर्स्ट पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई में लेफ्ट हैंड साइड निकालनी पड़ेगी। पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी। सो बी यूनियन सी क्या है अपना, बी में एक एलिमेंट है 4 और सी में एक एलिमेंट है 5। सो बी यूनियन सी आया हमारा 4,5। ठीक है, आगे देखो। ओके, हाँ, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, हाँ, सो ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, 1 2 3 क्रॉस 4 5। सो ये हमारा आ गया, करते हैं हम लोग कैलकुलेट, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ओके, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 हो गया, ए क्रॉस बी यूनियन सी आ गया। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारी क्या होगी। सो ए क्रॉस बी निकालना है हमें पहले, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या हो गया, 1 2 3 क्रॉस 4। सो ये हो जाएगा 1 4 2 4 3 4, ये क्रॉस बी आ गया हमारा। ओके, ए क्रॉस सी निकालना है, ए क्रॉस सी मतलब 1 2 3 क्रॉस 5 क्या हो जाएगा, 1 5 2 5 3 5। ओके, सो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा, यूनियन कर देते हैं इन दोनों का हम। सो यूनियन करेंगे 1 4 2 4 3 4, 1 5 2 5 3 5। सो ये और ये इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। दिस मीन्स ए क्रॉस बी यूनियन सी जो है वो इक्वल है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। ठीक है, और हैंस वेरीफाइड, वेरीफाई कर दिया हमने, इसका मतलब हमारा वेरिफिकेशन हो गया। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होता है, ये पार्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। यहां पे देखिए, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं कहूं ए मेरा एक सेट है कोई भी 1 2 3 और मैं कहूं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप डी एक सेट है 5, सो ए क्रॉस डी फाइंड आउट करो, तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस डी, ए क्रॉस डी हमारा एक एम्प्टी सेट होगा 5 होगा। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी 5 हो जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने वैसे आपको बता दी थी, नोट करवाई थी आपको एक जगह मैंने, ठीक है, एक वीडियो में। तो यहां पर सेकंड जो पार्ट है, सो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करूं,
लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए हमारा 1 2 3 और बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 5। ये एम्प्टी सेट, 5 का मतलब एम्प्टी सेट ही तो होता है, ये तो एम्प्टी सेट रह गई 1 2 3। सो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई, 5 आ गई। अब यहां पे ए क्रॉस बी लिखता हूं मैं, ए क्रॉस बी, ठीक है, यहां भी लिखा हालांकि हमने, ठीक है, ए क्रॉस बी यहां भी लिखा था, सेम लिख देता हूं, 1 4 2 4 3 4, ओके। और ए क्रॉस सी भी लिखा था हमने ऊपर, सेम यहां पे लिख देता हूं, 1 5 2 5 3 5। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है इनका, यहां पर 1 4 है, 1 4 नहीं है, 1 1 से कॉमन नहीं होता, पूरा होना चाहिए पूरा, 1 4 नहीं है, 2 4 नहीं है, 3 4 नहीं है, ना इनका उधर है। सो ये क्या हो जाता है, 5, ये 5 हो गया। सो बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, हेंस वेरीफाई। सो ये हमने वेरीफाई कर दिया। ओके, थर्ड जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का, जो थर्ड पार्ट है हमारा क्या है, वो थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट कह रहा है ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, वेरीफाई करना है, ठीक है। वैसे जो ये प्रॉपर्टीज है, ये तीनों प्रॉपर्टी हैं कार्टिजन की, प्रॉपर्टीज हैं कार्टिजन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, और ये हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं। मैंने ये 5 प्रॉपर्टीज बताई आपको, तो ये जरूरी प्रॉपर्टीज हैं, तो आप उनको याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पे उनको बस वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। सो ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी हो गया, आगे चलते हैं यहाँ पे। सो लेफ्ट हैंड साइड अगर मेरे को फाइंड आउट करनी हो, तो पहले बी माइनस सी निकालना पड़ेगा। अब बी सेट शुरू में देखो आप, 4 और सी 5 है, सो बी माइनस सी कितना हो जाएगा, सिर्फ 4 आएगा। ए 1 2 3, इसका कार्टिजन प्रोडक्ट किया 4 के साथ, ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ए क्रॉस बी माइनस सी कैलकुलेट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमारी है 1 2 3 क्रॉस सी, क्रॉस 4 सॉरी, ठीक है। सो यहां पे हो जाएगा 1 4 2 4 3 4, लेफ्ट हैंड साइड होगी। आगे राइट हैंड साइड निकालते हैं, तो राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब देखो बात क्या है, ए क्रॉस बी, ये राइट हैंड साइड, ए क्रॉस बी हमारा सेट हो जाएगा 1 4 2 4 3 4, ए क्रॉस बी हो गया। ए क्रॉस सी हो जाएगा 1 5 2 5 3 5, पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। अब सेट डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, सेट डिफरेंस किस तरीके से निकाला जाता है। सो सेट डिफरेंस निकालते हैं हम लोग कि पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे वाले सेट में ना हो, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे वाले सेट में नहीं हो। सो पहले वाले सेट का 1 4 दूसरे वाले सेट में नहीं है, तो ये आ जाएगा। 2 4 भी नहीं है, सो 2 4 भी हो जाएगा। 3 4 भी नहीं है, तो 3 4 भी हो जाएगा। सो ये हमारा आ गया। अब आप लोग चाहे देख लो, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये थी, राइट हैंड साइड भी वही है। सो हमने क्या वेरीफाई कर दिया, हेंस वी वेरीफाइड दैट ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस सी। सो ये हमने वेरीफाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन, ठीक है। सेवंथ जो क्वेश्चन है वो हमारा है, ए इज इक्वल टू 1 4, बी इज इक्वल टू 2 3 6 एंड सी इज इक्वल टू 2 3 7। देन वेरीफाई दैट
आपको वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट, टू पार्ट्स हैं इसमें. सो ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी. सेकंड जो पार्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी. सेकंड जो पार्ट है वो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी. सो ये दो पार्ट हैं. सो ये क्वेश्चन जो सेवंथ है वेरीफाई करने वाला, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं कई बार कर चुके हैं हम. सो ये आप लोग ही करोगे. सो ये आप पर है, ये आप खुद से कोशिश करना, हो जाएगा. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के किए हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन एट. ओके, सो क्वेश्चन एट जो हमारा है वो है इफ ए इज इक्वल टू टू थ्री एंड बी इज इक्वल टू सिक्स कोमा एट सी इज इक्वल टू वन कोमा टू ओके एंड डी इज इक्वल टू सिक्स कोमा नाइन देन वेरीफाई दैट. तो अपने को वेरीफाई करना है, वेरीफाई हमें करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू आएगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी. ये वेरीफाई करना. क्वेश्चन देख लीजिए आप, ए सेट टू कोमा थ्री है, बी सिक्स कोमा एट है, सी वन कोमा टू है और डी सिक्स कोमा नाइन है. सो हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी वेरीफाई करना है कि क्या ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के इक्वल आएगा क्या. करते हैं हम लोग. सो ए क्रॉस बी लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड में ए क्रॉस बी निकालना है हमें. ए क्रॉस बी हो जाएगा टू सिक्स टू एट थ्री सिक्स थ्री एट ओके. सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी वन सिक्स वन नाइन टू सिक्स टू नाइन ओके. ए क्रॉस बी लिखा, सी क्रॉस डी लिखा. अब हम लोगों को ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी निकालना है. क्या कॉमन है इनमें? टू सिक्स कॉमन है और बस सिर्फ टू सिक्स ही कॉमन है, वो तो कुछ कॉमन नहीं है. टू एट नहीं है, थ्री सिक्स नहीं है, थ्री एट भी नहीं है. सो टू सिक्स कॉमन आ गया, सिंगलटन सेट हो गया. ये करते हैं हम लोग. सो ए राइट हैंड साइड निकालते हैं, राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन सी टू थ्री वन टू सिर्फ टू कॉमन आया और बी इंटरसेक्शन डी बी ओ डी में सिक्स कॉमन है. सो ए इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन डी सो ये आ गया टू कॉमा सिक्स. क्या आ गया? टू कॉमा सिक्स. ठीक है, सो एट्थ क्वेश्चन हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नाइन. क्वेश्चन नंबर नाइन जो कहता है ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन सच ए वे दैट ए क्रॉस बी कंटेन्स सिक्स एलिमेंट्स. सो ए और बी दो सेट हैं जिनमें, और किस तरीके के सेट्स हैं कि ए क्रॉस बी सिक्स एलिमेंट है, ए क्रॉस बी के अंदर छह एलिमेंट्स हैं. ठीक है, इफ थ्री एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी बी वन कोमा थ्री टू कोमा फाइव एंड थ्री कोमा थ्री फाइंड इट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स. सो हम लोगों को इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने हैं.
सो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले लास्ट वीडियो में किया था, ठीक है। सो सेम टाइप का ही है। तो अगर ए क्रॉस बी में कोई एलिमेंट हमारा बिलोंग करता है, 1,3 बिलोंग करता है अगर ए क्रॉस बी में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 जो है वो ए में बिलोंग करता है, 3 बी में बिलोंग करता है। ओके, 2,5 ए क्रॉस बी में बिलोंग करता है, इसका मतलब 2 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू बी। और 3,3 जो है वो ए क्रॉस बी में बिलोंग करता है, अगर 3×3 ए क्रॉस बी में बिलोंग करता है तो 3 बिलोंग करेगा सेट ए में और 3 बिलोंग करेगा सेट बी में। यहां से अगर हम देखें तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, हमें जो क्लियर हो गया है कि ए में एलिमेंट है हमारा 1, 2, 3 और बी में एलिमेंट है 3 और 5। अब हम लोग पूरा ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स तो वैसे ही पता चल जाएंगे हमें, पूरा ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स तो पता चल जाएंगे हमें। सो 1,3 1,5 2,3 2,5 3,3 3,5। सो ये हमारा ए क्रॉस बी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो इसमें से अब देखो, इनके अलावा जो भी बचे हुए एलिमेंट्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप वो कर लेना। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए सबसेट ऑफ बी, प्रूव दैट। अगर ए सबसेट है बी का तो अपने प्रूव करना है ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस सी फॉर एनी सेट सी। सी हमारा कोई भी सेट है, हमें दे रखा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो हमें प्रूव करना है ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट होगा बी क्रॉस सी का। करते हैं हम लोग, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। इस टाइप का ही, बिल्कुल सेम टाइप से ही हमने एक प्रूफ पहले भी किया था, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था उसमें लास्ट प्रॉपर्टी इसी टाइप की थी, ठीक है। तो यहां पे करते हैं हम लोग, बिल्कुल आसान है। सो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, हमने मान लिया कि जो ए कोमा बी एलिमेंट है वो ए क्रॉस सी से बिलोंग करता है, लेट कर लिया हमने कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, सॉरी बी बिलोंग्स टू सेट सी। इसका मतलब क्या हो गया, ए जो है वो सेट ए में बिलोंग करता है और बी जो है वो सी सेट ए में बिलोंग करता है। अब क्योंकि हमारा ये सबसेट बी है, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। अगर ए सबसेट बी का है तो जो ए के अंदर एलिमेंट बिलोंग कर रहा है वो बी के अंदर भी करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी, इसका मतलब हो गया कि ए बी जो हमारा एलिमेंट है वो बी क्रॉस सी में बिलोंग करेगा। सो यहां से हमारा ये क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे हम लेके चले थे ए बी कोई भी एलिमेंट है ए क्रॉस सी में, हमने दिखा दिया ए बी एलिमेंट बी क्रॉस सी में भी होगा। दिस इंप्लाइज ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। अगर आपको कभी भी कोई सबसेट दिखाना है, फिर से मैं एक बार बता दूं, अगर आपको बताना है कि सी सेट जो है वो डी का सबसेट है, तो कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट करो जो सी में बिलोंग करता है और सिंप्लीफाई करके दिखा दो कि जो आर्बिट्री एलिमेंट जो एक्स बिलोंग्स टू सी लेट किया था वो एक्स डी में भी है। सो इसका मतलब, इस पूरे का मतलब हो जाएगा कि सी आपका सबसेट है डी का। सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे किया, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। यहाँ पर हमारी जो ये फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये खत्म हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।